हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल शर्मा लेक्चर। आज का ये वीडियो क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान के 60 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न को देखेंगे। पूरी बुक से आप लोगों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये 60 अगर आप लोग बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार कर लेते हो तो एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन हर साल आते हैं, ठीक है। तो 100% आपको बोर्ड एग्जाम में यही प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर ना सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। ये 60 बहुविकल्पीय प्रश्नों को बनाने में मुझे 7 से 8 घंटे लगे हैं, इसको लिखने में, ठीक है, इस तरह बनाने में, ठीक है। तो आप लोगों के लिए ही ये बनाया गया है, आप लोगों के लिए ही, ठीक है। तो आप लोग लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। देखो बहुत ज्यादा मेहनत किया गया है, देख सकते हो यहां एक एक प्रश्न को अच्छे से लिखा गया है। देखो ये आप लोगों का पहला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान का पहला मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखो, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। ऑप्शन नंबर का है गैरिबाल्डी, खा है इसको बिस्मार्क कर लेना, गा है काबूर एंड घा है मेंजनी। तो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था बच्चों, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक मेंजनी था। कौन था? मेंजनी, ठीक है। याद रखना बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग ये सारा तैयार कर लोगे ना तो आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 20 नंबर है वो बिल्कुल पक्का हो जाएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। यह पूरी किताब से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा ले लिया गया है एक ही वीडियो में। अगला देखो, फ्रांस की क्रांति, ठीक है, हुई, यानी कि जो फ्रांस की क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, जो फ्रांसीसी क्रांति है वो कब हुई, 1788 ईस्वी में, खा है 1789 ईस्वी में, गा है 1790 ईस्वी में एंड घा है 1787 ईस्वी में। तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई बच्चों, जल्दी से आप लोग बताओ। फ्रांसीसी क्रांति, तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1789 ईस्वी में। खा वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आ जाओ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देखो, क्वेश्चन नंबर 3 पर फोकस करना। लिखा हुआ है, ठीक है, कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ हुआ है, या फिर यही क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ, जो राष्ट्रवाद है उसका प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ, ठीक है। दो तीन तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। ऑप्शन नंबर का है जर्मनी, खा है इटली, गा है फ्रांस एंड घा है इंग्लैंड। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ है, राष्ट्रवाद, तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ जो है वो फ्रांस से हुआ है। कहां से? फ्रांस से। आपका गा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जो है वो फ्रांस से हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर गा बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 देखो कि जर्मनी का एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है, या फिर यही क्वेश्चन पूछ सकता है जर्मनी के एकीकरण का मुख्य भूमिका किसका था, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसका था, ठीक है। तो अब आप लोग इसका क्वेश्चन का आंसर बताओ। ऑटो वान बिस्मार्क, गा है आपका, खा है काइजर विलियम प्रथम, हिटलर या मैसिनी। तो जर्मनी के एकीकरण का जनक या फिर श्रेय जो है वो ऑटो वान बिस्मार्क को दिया जाता है। का वाला ऑप्शन सही है, ऑटो वान बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक माना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर का हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, नेपोलियन की पराजय कब हुई, नेपोलियन का पराजय कब हुआ, नेपोलियन का पराजय। ऑप्शन नंबर का है 1814 ईस्वी, का है 1815 ईस्वी एंड गा है 1816 ईस्वी एंड गा है 1817 ईस्वी। तो नेपोलियन का पराजय कब हुआ बच्चों, नेपोलियन का पराजय सारे स्टूडेंट को पता होगा क्योंकि ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेपोलियन का पराजय जो है वो 1815 में हुआ था। कब हुआ था? 1815 ईस्वी में जो है नेपोलियन का पराजय हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को समझ में आ गया, 1815 ईस्वी में नेपोलियन का पराजय हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देखो कि महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे, महात्मा गांधी जी जो हैं वो दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे। का ऑप्शन है 1914 में, खा है 1915 में, गा है 1918 में एंड घा है 1919 में। तो महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे, तो महात्मा गांधी जी जो दक्षिण अफ्रीका से वापस 1915 में लौटे थे। कब लौटे थे? 1915 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर का खा वाला हमारा सही है कि 1915 में जो है महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो स्टूडेंट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया, महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, अगर आपने तैयार कर लिया तो सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ कर आओगे, ठीक है। का वाला है 1919 ईस्वी को, खा है 1920 ईस्वी को, गा है 1922 ईस्वी को एंड घा है 1923 ईस्वी को।
तो महात्मा गांधी जी असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया, महात्मा गांधी जी को बताना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है। तो महात्मा गांधी जी ने 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन आरंभ किया था। 1920 ईस्वी को महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन आरंभ किया। क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग समझ लो यहाँ कि पूना पैक्ट जो है किन दो नेताओं के बीच हुआ, पूना पैक्ट जो है वो किन दो नेताओं के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर का है गांधी जी और अंबेडकर के बीच, खा है आपका गांधी जी और नेहरू के बीच, या गा है गांधी जी और सरदार पटेल के बीच, या घा है नेहरू जी और सुभाष चंद्र के बीच। ठीक है, तो जो पूना पैक्ट है वो गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था, का वाला ऑप्शन सही है, गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच। ठीक है, का वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, समझ में आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इसमें पूछ रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ हुई, ये आपको बताना है। का वाला ऑप्शन है रॉलेट एक्ट की घोषणा, नमक कानून तोड़कर, साइमन कमीशन के आगमन पर, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, तो आपको यह बताना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस घटना के कारण हुई, किसके कारण हुआ, यह आपको बताना है। तो नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की घटना की शुरुआत हुई थी। नमक कानून तोड़कर, खा वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, करो या मरो का नारा किसका था, करो या मरो का नारा किसका था बच्चों। ठीक है, करो या मरो का नारा किसका था, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी। करो या मरो का नारा किसका था बच्चों, तो करो या मरो का नारा जो था वो था महात्मा गांधी जी का। किसका था, महात्मा गांधी जी का। करो या मरो का नारा किसका था, महात्मा गांधी जी का। क्वेश्चन नंबर 10 तक समझ में आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, इसमें पूछ रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। सारे क्वेश्चन बिल्कुल से कंप्लीट ही कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितने भी क्वेश्चन हैं। का है 1885 में, खा है 1904 में, या गा है 1857 में, या घा है 1855 में। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई वो 1855 में हुआ था, सॉरी 1885 में। कब हुआ था, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, समझ में आ गया। अगला है 12 नंबर क्वेश्चन, महामंडी का प्रारंभ किस कारण से हुआ, महामंडी का प्रारंभ किस कारण से हुआ, या आर्थिक महामंडी का प्रारंभ कब से हुआ। ठीक है, कब से हुआ, किस वर्ष हुआ, ये आपको बताना है। 1919 में, 1924 में, या 1929 में, या 1934 में। महामंडी का कारण बहुत ज्यादा बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, तो आप लोग कारण भी तैयार कर लेना, और तो आप लोगों को यहां सन तो पता ही चल जाएगा कब हुआ था। तो 1929 में महामंडी का प्रारंभ हुआ था, 1929 में महामंडी का प्रारंभ हुआ था। यह है क्वेश्चन नंबर 12, और अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, यहां अफ्रीका में किस बीमारी के प्रसार से अधिकांश जानवरों की मृत्यु हो गई, अफ्रीका में किस बीमारी के पश्चात से अधिकांश जानवरों की मृत्यु हो गई, प्लेग से, मलेरिया से, रेडर पेस्ट से, एनिमल फीवर से। तो यह आपको बताना है कि अफ्रीका में किस बीमारी के प्रसार से अधिकांश जानवरों की मृत्यु हो गई। ठीक है, अफ्रीका में बताना है, तो रीडर पेस्ट के कारण। ठीक है, ये अफ्रीका में एक बीमारी चला था जिसका नाम है रीडर पेस्ट। तो रीडर पेस्ट के कारण जो है अफ्रीका में अधिकांश जानवरों की मृत्यु हो गई थी, रीडर पेस्ट के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ आप लोग, कि यहाँ ध्यान से देखो, लिखा हुआ है कि 1914 से 1919 के बीच विश्व के शक्तिशाली देशों की आपसी औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा और उनके साम्राज्यवादी इरादे के कारण कौन सा युद्ध हुआ, कौन सा युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध, या फिर अणुबम युद्ध, या रूस और जापान युद्ध, या द्वितीय विश्व युद्ध। तो क्वेश्चन नंबर 14 का कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका हमारा का वाला ऑप्शन सही है कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। कौन सा विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ऑप्शन नंबर का हमारा बिल्कुल सही है, क्वेश्चन नंबर 14 का। और यहां तक आपको समझ में आ ही गया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर अब आ जाओ, सारे हैं। देखो, प्रथम विश्व युद्ध का आप लोगों का कब हुआ, या प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, कब प्रारंभ हुआ था प्रथम विश्व युद्ध, का है 1914 में, खा है 1939 में, गा है 1919 में, या 1942 में। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ, तो प्रथम विश्व युद्ध जो है वो 1914 में प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था, 1914 में प्रारंभ हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर का जो है वो बिल्कुल सही है कि प्रथम विश्व युद्ध जो है वो 1914 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 तक समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 अब आप लोग समझ लो, लिखा संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुई, संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ।
ऑप्शन नंबर का है 1945 में, का है 1942 में, गा है 1920 में या 1947 में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुआ था। कब हुआ था? 1945 में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। तो 16 तक आपको सारा समझ में आ गया ना, सारा नोट कर लेना, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और ये यही आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेहनत करके, ठीक है, 7 से 8 घंटे लगाकर इसको बनाया गया, सारे रिसर्च करके, मॉडल पेपर, प्रीवियस पेपर, सारे गाइड बुक हर जगह से ढूंढ कर ये आप लोगों के लिए बनाया गया, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से समझना सारे क्वेश्चंस, ठीक है। अब आप लोग भी मेहनत करो, आप लोगों के पास समय बहुत ही कम है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सी अजैवीय चट्टाने हैं या अजैवीय संसाधन है? अजैवीय संसाधन जिसमें जीव नहीं होते, जीवन नहीं होता। तो चट्टाने जो हैं उसमें जीवन नहीं होता, पशु में होता है, सजीव होते हैं, पौधे भी सजीव होते हैं, मछलियां भी सजीव होते हैं। तो अजैवीय जो होगा वो हमारा चट्टाने होंगे। कौन होंगे? चट्टाने। तो चट्टाने हमारा सही है कि आपका अजैवीय संसाधन है, ये आपका निर्जीव है, इसलिए ये आपका एक अजैवीय संसाधन है। अगला क्वेश्चन देखो, 18 नंबर, निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है, इन चारों में से कौन है जो मिट्टी का प्रकार नहीं है? काली या फिर पीली या लेटराइट या सीमेंट। तो कौन सी मिट्टी का प्रकार नहीं है इन चारों में से बच्चों? तो इन चारों में से आप लोगों का जो है वो सीमेंट जो है एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। सीमेंट, सीमेंट एक अलग सा चीज है जो एक मिट्टी का प्रकार नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, चाय की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? चाय की खेती के लिए कौन सी मृदा सबसे अच्छी मानी जाती है? लाल मृदा या फिर जलोढ़ मृदा या पर्वतीय मृदा या लेटराइट मृदा। तो कौन सा मिट्टी है जो सबसे अच्छी मानी जाती है चाय की खेती के लिए, बताना। चाय की खेती, तो चाय की खेती के लिए लेटराइट मृदा सबसे अच्छी मानी जाती है। बताओ, कपास की खेती के लिए काली मृदा मानी जाती है, ठीक है। जलोढ़ मृदा तो बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है, इसमें कोई भी फसल लगा दो। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? व्यक्तिगत संसाधन नहीं है, व्यक्तिगत का मतलब है जो व्यक्ति के द्वारा नहीं बनाया गया। तो देखो, बागान तो व्यक्ति के द्वारा ही बनाया जाता है। भूमि, देखो भूमि, और भूमि भी अगर मनुष्य नष्ट करता है, और चारागाह, और यहाँ जो खनिज संसाधन है ये जो है व्यक्तिगत संसाधन नहीं है, ये हमारा व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 का खनिज संसाधन, ठीक है। 21 आ जाओ बच्चों, 21 लिखा हुआ है, भारत में कितने प्रतिशत स्तनधारियों के लुप्त होने की खतरा है? भारत में कितने परसेंट स्तनधारियों के लुप्त होने की खतरा है बच्चों? लुप्त होने का खतरा, ठीक है, लुप्त होने का खतरा आप लोगों को बताना है। तो देखो, ऑप्शन नंबर का है 10%, 20%, 30%, 40%। तो कितने परसेंट स्तनधारियों के लुप्त होने की खतरा है भारत में? 21 नंबर क्वेश्चन है। तो बच्चों, इसमें हमारा 20% स्तनधारियों के लुप्त होने की खतरा है, 20% स्तनधारियों के लुप्त होने की खतरा है। क्वेश्चन नंबर 21 समझ में आ गया ना। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 22 समझो, इसमें देखो ध्यान से समझना, थोड़ा सा आप लोगों का मिस्टेक है, ठीक है। यहां आप लोगों को लिख देना चिपको, क्या लिख देना? चिपको, ठीक है, चिपको आंदोलन संबंधित है। यहां आप लोग आगे लिख देना चिपको, ध्यान से समझ लो, लिख देना आप लोग चिपको आंदोलन संबंधित है, ठीक है। मृदा संरक्षण से, जल संरक्षण से, वन संरक्षण से, वायु संरक्षण से। तो बच्चों, जो चिपको आंदोलन है वो हमारा वन संरक्षण से संबंधित है, क्योंकि चिपको आंदोलन में क्या हुआ था कि मतलब जो लोग पेड़ पौधों को बहुत, एक बाग लगा हुआ था उसमें बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए थे, अब उसमें मतलब लोग उसको काटने के लिए आए थे, तो उस पेड़ को काटने से रोकने के लिए लोग, मतलब महिलाएं थी, पुरुष थे, सारे लोग उससे चिपक गए कि इस पेड़ को नहीं काटना, अगर काटना है तो पहले हमें काटो। तो तब से उसका नाम हो गया बच्चों चिपको आंदोलन, ठीक है। तो वो वन संरक्षण से संबंधित है, पेड़ पौधों से। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले वन एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? भारत में सबसे पहले वन्य एवं वन्य जीव अधिनियम कब लागू किया? 1970 में, 1972 में, 1983 में या 1990 में? भारत में बताना है, भारत में। तो भारत में 1972 में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? खा वाला ऑप्शन सही है, 1972 में जो है वन एवं वन्य जीव संरक्षण का अधिनियम लागू किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देख लो, अब आप लोग ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखो। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? असम में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में? सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क बताना है बच्चों, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क। तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में जो है वो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 25 देखो, भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस वर्ष बनाई गई? भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस पर बनाई गई? किस पर बनाई गई, कौन सी नदी पर बनाई गई, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 में, दामोदर नदी, कोसी नदी, नर्मदा नदी या चिनाब नदी?
तो बताओ फटाक से कि भारत की जो पहली नदी घाटी परियोजना है वो किस नदी पर बनाएगी। तो वो हमारा है दामोदर नदी। कौन सा नदी है? दामोदर नदी पर भारत की नदी घाटी परियोजना सबसे पहले बनाई गई थी। ठीक है, दामोदर नदी पर। अगला देखो, अगला क्वेश्चन 26 नंबर, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा? महात्मा गांधी जी ने, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, अन्ना हजारे, किसने कहा था बच्चों? तो वो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, टिहरी बांध परियोजना जो है वो किस राज्य में स्थित है? टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? टिहरी बांध परियोजना ऑप्शन नंबर का है पंजाब में, खा है उत्तराखंड में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में। तो जो टिहरी बांध परियोजना है वो उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। खा वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है कि जो टिहरी बांध परियोजना है वो उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 28 नंबर, इनमें से कौन सी रबी फसल है? इनमें से कौन सी रबी फसल है? रबी फसल बताना है बच्चों। तो रबी फसल कौन सा है? चावल है, मोटे अनाज है, चना या काला चना या आपका कपास। सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मेहनत करके बनाया गया है। तो सारे बच्चे लाइक भी करना, शेयर भी करना, चैनल पर ना सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, ऐसे ही और भी सब्जेक्ट के दिए जाएंगे ताकि आप लोग पूरी तैयारी कर लो अच्छे से। ठीक है, तो आपका चना या काला चना जो है वो एक रबी फसल है, चना या फिर काला चना। ठीक है, आपका गा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आ जाओ 29 नंबर क्वेश्चन, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? रेशेदार फसल का मतलब जिसमें रेशे होते हैं, तो जूट है या जौ है या कॉफी है, रबर है। तो रबर में रेशे नहीं होते बच्चा, जौ में भी लगभग नहीं होते, कॉफी में भी रेशे नहीं होते, लेकिन जूट में जो होता है उसमें रेशे होते हैं। क्या होते हैं? रेशे होते हैं। तो हमारा जूट जो है वो ऑप्शन नंबर का जो है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल है? कौन सी रोपण फसल है? गेहूं, गन्ना, चना या मूंगफली, कौन सी रोपण फसल है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 30 में पूछ रहा है। तो गन्ना जो है, गन्ना वो एक रोपण फसल है। क्या है? रोपण फसल है गन्ना। खा वाला ऑप्शन सही है। देखो यहां आप लोग, खा वाला ऑप्शन सही है, गन्ना जो है वो एक रोपण फसल है। देखो बहुत सारी फसलें होती हैं, रोपण कृषि, जायद रोपण फसल, जायद फसल, एंड जैसे आपके बहुत सारी फसलें हैं जो रबी की फसल, खरीफ की फसल, बहुत सारी फसलें हैं। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन आ जाओ, 31 नंबर क्वेश्चन, भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया है? भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया था? भूदान का मतलब होता है भूमि का दान करना। ठीक है, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी। तो भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया? तो विनोबा भावे के द्वारा। गा वाला ऑप्शन सही है कि भूदान आंदोलन जो है वो विनोबा भावे के द्वारा आरंभ किया गया था। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो है मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित है? निम्नलिखित में से कौन सी फसल है जो मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित है? ठीक है, चना है या ज्वार है या मूंगफली है या मूंग है। तो बच्चों कौन सा है जो मोटे अनाज से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 32 में पूछ रहा है। तो वो हमारा ज्वार है। ज्वार, ज्वार जो है वो एक मोटे अनाज से संबंधित है, जो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर खा वाला आपका ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 32 का खा वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाओ बच्चों, अगला 33 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? जो झारखंड में स्थित कोडरमा है वो निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? बॉक्साइट का, लौह अयस्क का, अर्धरक का या तांबा का? फटाक से बताओ, पढ़ाया हुआ सारा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ा चुका हूं, लेकिन आप लोगों को ये क्वेश्चन जो बता रहा हूं ये पढ़ो। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। तो झारखंड में स्थित जो कोडरमा है वो बच्चों हमारा अर्धरक का अग्रणी उत्पादक है। किसका? अर्धरक का अग्रणी उत्पादक है, अर्धरक का। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन आ जाओ बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत स्रोत है? गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है बच्चों? गैर परंपरागत स्रोत कोयला है, सौर ऊर्जा है, पेट्रोलियम है या प्राकृतिक गैस है? तो गैर परंपरागत इस ऊर्जा स्रोत जो है वो हमारा सौर ऊर्जा है। कौन सा है? सौर ऊर्जा। ठीक है, सौर ऊर्जा जो है वो एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। खा वाला ऑप्शन सही है। 35 नंबर क्वेश्चन देखो कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोत है? इसको आप लोग कर देना बच्चों, जो 35 नंबर क्वेश्चन है इसको आप लोग कर देना परंपरागत। क्या कर देना? परंपरागत। ठीक है, ये गैर हटा देना, गैर हटा देना। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा है जो परंपरागत स्रोत है? ठीक है, सौर ऊर्जा, कोयला या फिर पवन ऊर्जा या ज्वारीय ऊर्जा। तो बच्चों इसमें जो आपका परंपरागत ऊर्जा स्रोत है वो कोयला है। कौन सा है? कोयला। गा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, याद रखना। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारभूत है?
कौन सा खनिज है जो आधारभूत है, मैग्नीज है या लौह अयस्क है या आर्वरक है, या फिर आपका इसको आर्वरक कर लेना, ठीक है, तांबा है। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा लौह अयस्क। कौन सा होगा? लौह अयस्क, खा वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। 36 नंबर का हमारा खा वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। 36 नंबर तक समझ में आ गया। 37 नंबर अब आप लोग देखो, 37 नंबर, निम्न में से कौन सा दो दूरस्थ स्थित स्थान है जो पूर्वी पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं, ठीक है। मतलब निम्न में से कौन से दो आपके दूरस्थ स्थित स्थान है जो पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। मुंबई तथा नागालैंड, मुंबई और कोलकाता, इसे कर देना सिलचर तथा पोरबंदर, एक सौ सिलचर कर देना, नागालैंड तथा सिलीगुड़ी। तो बच्चों इसमें हमारा राइट आंसर होगा वो होगा सिलचर तथा पोरबंदर। कौन सा होगा? सिलचर तथा पोरबंदर हमारा राइट आंसर होगा। सिलचर तथा पोरबंदर, गा वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, सिलचर तथा पोरबंदर, ठीक है, गा वाला। 38 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर है और जो अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है जो पूर्ण सुरक्षित है, चेन्नई या फिर तूतीकोरिन या पारादीप या विशाखापट्टनम। तो इसमें हमारा विशाखापट्टनम सही हो जाएगा, ठीक है, विशाखापट्टनम, घा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आ गया ना, अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन 39। 39 नंबर क्वेश्चन है, दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान कहलाता है। दो राज्यों के बीच अगर वस्तुओं का आदान प्रदान होता तो क्या कहलाता है? राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आंतरिक व्यापार या फिर हमारा वस्तु विनिमय। तो अगर दो राज्यों के बीच हो रहा है, राज्य और राज्य के बीच हमारा हो रहा है, तो वो होगा राष्ट्रीय व्यापार। क्या होगा? राष्ट्रीय व्यापार, ठीक है। तो दो राज्यों के बीच जो व्यापार होता है उसे राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय व्यापार, ठीक है। अगला है 40 नंबर, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? भारत में जो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण है वो कब किया गया? 1950 में या 1953 में या 1960 में या 1998 में? तो भारत में जो राष्ट्रीय, जो आपका वायु परिवहन राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो वो हमारा किया गया था 1953 में। कब किया गया था? 1953 में। हमारा खा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 40 का। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 अब आप लोग समझ लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है। देखो, बेल्जियम में किस प्रकार के सरकार हैं? बेल्जियम में किस प्रकार की सरकारें हैं? सामुदायिक सरकार, सॉरी सामूहिक सरकार, सामुदायिक सरकार, राजतंत्र या एक पक्षीय सरकार? तो इसमें जो है वो है सामुदायिक सरकार। कौन सा है? सामुदायिक सरकार, सामुदायिक सरकार है खा वाला ऑप्शन, ठीक है। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया या कब हुआ? श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? 1947 में, 1948 में, 1950 में या 1945 में? तो श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? तो वो घोषित किया गया था बच्चों आपका 1948 में। कब किया गया था? 1948 में, ठीक है, 1948 में। खा वाला ऑप्शन सही है। 43 नंबर क्वेश्चन देखो, बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्न में से किसके मध्य सत्ता में साझेदारी है? विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य, शासन के विभिन्न अंगों के मध्य, या केंद्र और सरकार, राज्य सरकार के मध्य, या सरकार और सामुदायिक के मध्य? तो वो होगा हमारा का वाला ऑप्शन, विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य, विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य, ठीक है। अगला 44 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, 44 नंबर, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? तमिल, सिंघली, ईसाई या मुस्लिम? तो बहुसंख्यक वर्ग जो है वो है सिंघली। कौन सा है? सिंघली। खा वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, सिंघली, ठीक है। अगला आ जाओ, 45 नंबर क्वेश्चन देखो कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा है जो संघीय राज्य नहीं है? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या दिल्ली? कौन सा संघीय राज्य नहीं है? देखो मणिपुर तो हमारा संघीय राज्य है, अरुणाचल प्रदेश भी एक राज्य है, हिमाचल प्रदेश भी एक राज्य है, लेकिन दिल्ली जो है वो एक सिटी है ना कि एक राज्य है। तो ये एक संघीय राज्य नहीं है, एक संघीय राज्य नहीं है, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है? महिलाओं के लिए किसमें आरक्षण सुनिश्चित है? विधानसभाओं में, लोकसभा में, पंचायती राज संस्थाओं में या राज्यसभा में? तो महिलाओं के लिए जो आरक्षण सुनिश्चित है वो है पंचायती राज संस्थाओं में। किसमें? पंचायती राज संस्थाओं में, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आ गया, 47 नंबर क्वेश्चन आ जाओ। देखो, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? 27, 29, 28 या 30? भारत में बताना है। तो भारत में कुल आपके 28 संघीय राज्य हैं, संघीय राज्य हैं, ठीक है। संघीय राज्य कुल 28 हैं, ध्यान से समझना। प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है? प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है?
प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, जिला अधिकारी। तो प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है? मुख्यमंत्री। कौन करता है? मुख्यमंत्री। गा वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है कि प्रांतीय प्रशासन का संचालन मुख्यमंत्री करता है। अगला क्वेश्चन आ जाओ, 49 नंबर क्वेश्चन, अब आप लोग समझो बच्चों, 49 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 49 नंबर लिखा हुआ, लोकतंत्र का सबसे अच्छा तरीका क्या है? विविधता को समाहित करना, समरूप समाज बनाने का प्रयास करना, विभिन्नता के प्रति सकारात्मक आपका दृष्टिकोण रखना, ये उपयुक्त सभी। तो इसमें हमारा हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि ये विविधता को समाहित करता है, समरूप समाज बनाने का प्रयास करता है, विभिन्न आपकी विभिन्नता के प्रति दृष्टिकोण रखना, तो यानी घा वाला सही है। अगला है बच्चों आप लोगों का 50 नंबर, महिलाओं की समाज में बराबरी की मांग आंदोलन को क्या कहा जाता है? महिला मुक्ति आंदोलन, नारीवादी आंदोलन, या फिर हमारा गा वाला है स्त्री शक्ति, या घा वाला है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका हमारा होगा नारीवादी आंदोलन, नारीवादी आंदोलन, घा वाला ऑप्शन सही है, नारीवादी आंदोलन, ठीक है। अगला आ जाओ 51 नंबर क्वेश्चन, भारत में यहां औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो मैंने पहले ही बता दिया पंचायती राज संस्थाओं में, कहां है? पंचायती राज संस्थाओं में। अगला है, ठीक है, ये हमारा सही है, पंचायती राज संस्थाओं में। दबाव समूह सरकारी नीतियों को किस प्रकार प्रभावित करता है? संगठन द्वारा, एकजुटता के द्वारा, आपका नियंत्रण के द्वारा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो दबाव समूह है वो सरकारी नीतियों को एकजुटता के द्वारा प्रभावित करता है, अगर एकजुटता रहेगा तो फिर प्रभावित होंगे। 53 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस एक देश को छोड़कर हर जगह तानाशाही पर लोकतंत्र को प्राथमिकता दी जाती है? भारत, नेपाल, इसको पाकिस्तान कर लेना, और आपका श्रीलंका, इसको पाकिस्तान कर लेना, ठीक है, पाकिस्तान सही भी होगा, पाकिस्तान हमारा सही है, गा वाला ऑप्शन। अगला, चुनौतियों में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, कमजोर होती हैं, मजबूत होती हैं, मजबूर होती हैं, व्यवस्थित होती हैं, तो वो तो भाई मजबूत ही होंगी, ठीक है, मजबूत होंगी, खा वाला ऑप्शन सही है, मजबूत। 55 नंबर क्वेश्चन अब आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है? कौन सा विकसित देश है? ब्राजील, भारत, फ्रांस, या बांग्लादेश? तो इन चारों में से जो फ्रांस है वो एक विकसित देश है, क्या है? विकसित देश है। 56 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन मानव विकास रिपोर्ट तैयार करता है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार, सॉरी विश्व बैंक, या फिर यूएनडीपी, या संयुक्त राष्ट्र संघ? तो यूएनडीपी जो है वो तैयार करता है मानव विकास रिपोर्ट, ठीक है। अगला, कौन सा क्षेत्र अधिक रोजगार देता है? द्वितीयक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं? तो जो प्राथमिक क्षेत्र है वो अधिक रोजगार देता है। कौन? प्राथमिक क्षेत्र अधिक रोजगार देता है, याद रखना, प्राथमिक क्षेत्र जो है वो अधिक रोजगार देता है, ठीक है। 58 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का साधन है? पूंजी है, सेवाएं हैं, लाभ है, या कर है? तो पूंजी जो होता है वो उत्पादन का साधन होता है, पूंजी, ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1982 में, 1985 में, 1987 में, 1986 में? तो भारत में जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है वो 1986 में पारित किया गया था, 1986 में। 60 यानी कि लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा है, भारत में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर दो राज्य हैं, ओडिशा और मध्य प्रदेश, बिहार और गोवा, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल, और सिक्किम और असम? तो वो हमारा होगा ओडिशा और मध्य प्रदेश, ओडिशा और मध्य प्रदेश, का वाला ऑप्शन सही है, ओडिशा और मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में बताया पूरे बुक से, ठीक है, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि ये आप लोगों के पूरे बुक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिए गए हैं बच्चों, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये सारा तैयार करना जितना मैंने आपको बताया है ना, ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं, और अगर आपने ये 60 ऑब्जेक्टिव तैयार कर लिया ना, तो ऑब्जेक्टिव में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, 100% इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है, ये पूरे बुक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आज के इस वीडियो को सारे स्टूडेंट लाइक भी करना, शेयर भी करना, अगर चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लेना, ऐसे आपको और भी सब्जेक्ट का वीडियो लाऊंगा, अगर आप लोग कमेंट करोगे सर और भी लाइए, ठीक है। तो चलो हम लोग मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इंपोर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।